नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। जी हाँ दोस्तों, टाइटल आपने पढ़ लिया है। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ आईटी स्टॉक्स के बारे में, और सबसे ज़्यादा मैं बात करूँगा आपके टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के बारे में, और जानने का प्रयास करेंगे इसके लेटेस्ट टारगेट और लेटेस्ट न्यूज़ क्या निकल के आती है। मेरा तो यहाँ तक मानना है, यहाँ तक अनुमान है, ये स्टॉक आपको 6200 रुपये के टारगेट दिखा सकता है। मतलब स्टॉक यहाँ से अभी आपको 90% और एटलीस्ट 100% का गेन देखे जा सकता है। अगर आपको याद नहीं आ पा रहा है कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, और आपको ये भी याद नहीं आ पा रहा है कि मैं क्यों उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ अपना एक छोटा सा पुराना वीडियो, जिसे मैंने आपको बताया था कि TCS यहाँ से आपको 100% का गेन देखे जा सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया था ये स्टॉक डेफिनेटली एक मल्टी वैगर स्टॉक है, कुछ ही महीनों के अंदर आपको ये अच्छा खासा गेन और रिटर्न देके जा सकता है। तो देखिए, उसके बाद आगे बात करेंगे सभी सभी स्टॉक्स, मतलब जो इंडेक्स है आईटी का, सभी स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा TCS शेयर के ऊपर। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे मैंने लिखा हुआ टाइटल, जैसे स्टॉक 3300 रुपये तोड़ेगा ये स्टॉक यहाँ से पागल हो जाएगा, मतलब आपको डबल रिटर्न स्टॉक देके जा सकता है। अगर आपको बिलीव नहीं आता तो ये देखिए आर्टिकल खोल रखा है मैंने, वीडियो मतलब जुलाई 15, 2021, और आप देख सकते हो यार TCS शेयर, और आपको यहाँ प्राइस भी दिख रहा होगा स्क्रीन में, 3214 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा था राइट आपके सामने। और आज जो स्टॉक का प्राइस है, मैं अभी आपको दिखला देता हूँ, ठीक है, जो अभी स्टॉक का भाई ट्रेड कर रहा है गूगल में, आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। तो दोस्तों, आप देख सकते हो आज भी स्टॉक में 2% की शानदार तेजी हमें देखने को मिली है, 2% की शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। अभी स्टॉक प्राइस आपका 3797 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट आप उसको 3800 रुपये ट्रेड कर रहा है। एंड दोस्तों, आप देख सकते हो ये स्टॉक जस्ट एक अभी स्टार्टिंग हुई है स्टॉक में रैली होना, 1 मंथ में स्टॉक ने 17% का गेन दिया है। दोस्तों देख सकते हो ये स्टॉक ने हमें मात्र 18% का गेन दिया 1 महीने के अंदर, और यही यही स्टॉक मैंने खुद और हमारे कुछ मित्रों ने स्टॉक को बाय किया था 3208 रुपये, 3205 रुपये और 3220 रुपये के आसपास, ठीक है। अगर आप मैक्स चार्ट देखो तो स्टॉक आपका ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड दोस्तों, आपको बोल देना चाहता हूँ, अभी भी एक बात बोलूंगा, ये स्टॉक आपको 6200 रुपये का टारगेट दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, आप अपने आप से पूछना कि आपने स्टॉक को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बाय किया था, मतलब पोजिशनल के लिए, या आपने स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था। मैं अगर अपना विचार बताऊं तो मैंने स्टॉक को दोनों के लिए बाय किया था, शॉर्ट टर्म पर्पज से भी और लॉन्ग टर्म पर्पज से भी। मेरा जो स्टॉक का स्टॉप लॉस था, मैंने आपको पहले बताया था 3167 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देना, मतलब 3150 रुपये का अभी भी आप स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और स्टॉक अगर आपको दोबारा से 3400 लेवल में मिलता है, 3400 के प्राइस में आता है, तो आप स्टॉक में दोबारा री एंट्री कर सकते हो, और आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो 3150 का। एंड जो टारगेट रहेंगे 6200 रुपये के टारगेट एटलीस्ट स्टॉक में आपको वेट करना चाहिए, जो अगले 1 साल के अंदर आ जाएंगे। 1 साल छोड़ो, मुझे तो लगता है ये दिवाली दिवाली तक या आपको टारगेट अचीव करवा देगा, ठीक है, दिवाली तक, दिवाली मतलब आपका नवंबर के आसपास राइट। तो इसको नजरों में रखो। अगर बात करें न्यूज क्या चल रही है स्टॉक, न्यूज भी आप देख लो, कंपनी के जो Q1 नतीजे थे काफी अच्छे आए थे, उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस नीचे आया था, ठीक है, और अब स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। और आप देख सकते हो आर्टिकल भी आया है, ठीक है, ये आर्टिकल उस समय आया था जिसके Q1 नतीजे आए थे, सबको लग रहा था स्टॉक नीचे जाएगा गड्ढे में, क्यों, क्योंकि जितना इसका एस्टिमेट किया गया था निंग का उतना नहीं आया था, ठीक है। और आपको हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट उल्टी चलती है, जितना अगर एस्टिमेट किया गया था तो भैया वो तो अभी का एस्टिमेट किया जा रहा है ना, आप फ्यूचर का एस्टिमेशन देखो ना कि FY 2023 में क्या हो सकता है, 2022 में क्या हो सकता है, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से आप स्टॉक को नजरों में रखो, अभी भी स्टॉक काफी सस्ते में, अगर 3400 में आता है तो जैकपॉट हो सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये स्टॉक लगातार आपको तेजी दिखा रहा है, लगातार हरी कैंडल बन रहा है एक्यूरेसी में। तो अगर आपने स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना, 3690 का आपका नया स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होगा, मतलब अगर जिन्होंने ट्रेडिंग पर्पज से बाय किया स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, डिप बाय करना 3400 के आसपास, 3130 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेना, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये किसी ने हमें स्क्रीन शॉट भी भेजा था, ठीक है, इन्होंने की जो बाइंग कॉस्ट थी 3208 रुपये के आसपास थी, स्टॉक अभी आपको 3786 रुपये ट्रेड कर रहा है, मोर देन इनको 18% अगेन स्टॉक में आ रहा है मात्र 1.5 महीने के अंदर, 1.5 मंथ के अंदर, तो काफी अच्छा गेन इनको आ रहा है। मैं तो यही बोलूंगा, अगर चाहो तो आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है, जो स्टॉप लॉस बताया उसको लगा लेना, और अगर डिप बाय करना है तो आप डिप बाय कर सकते हो 3334 रुपये के आसपास, लेकिन स्टॉप लॉस पक्का लगा लेना जो आपको बताया गया है, ठीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज स्टॉक में कैसा कामकाज हुआ है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हो पाया है कि आज, हाँ हो चुका है दोस्तों, तो आप देख सकते हो आज आपकी डेट भी दिख जाएगी 31 अगस्त 2021। आज स्टॉक में 13,96,740 क्वांटिटी ट्रेड की गई थी, उसमें से 7,62,432 क्वांटिटी लोग घर लेके गए। ऑलमोस्ट 54% के आसपास का डेली परसेंटेज हमें देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया नंबर और फिगर आप पूछ सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में, ठीक है। ये भी मुझे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर कि निफ्टी के जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ये भी बताइए। तो चलिए मैंने सोचा कि इसके अंदर ही उन सभी को इंक्लूड कर लेता हूँ। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं एक बार देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो निफ्टी आईटी में दोस्तों अभी तो इसमें एक सेकेंड, हाँ आ चुके हैं। टीसीएस आप टॉप गेनर था, ठीक है। टेक महिंद्रा अभी आपका प्राइस चल रहा है 1450 रुपये के आसपास, 2% ऊपर की तेजी थी। अब चार्ट के माध्यम से एक बार चेकआउट कर लेते कि स्टॉक में आगे आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो टेक महिंद्रा में भी ऑलमोस्ट 1400% का लेवल, मतलब 1400% 1400 रुपये का ट्रेड कर रहा है 1000 रुपये के प्राइस से, मतलब स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। और टेक महिंद्रा में आई थिंक आपका जो ये स्टॉक है टीसी, इससे भी बेहतरीन वाली तेजी आपको देखने को मिली है। मैं तो आपसे यही बोलूंगा जितना हो सके स्टॉक से अभी दूरी बना के रखिए, ये स्टॉक बहुत जल्द एक डिप बाय कर सकता है। डिप बाय मतलब आपको नीचे लेके आ सकता है। जैसे आप देख सकते हो पास में आपस में रैली आई थी, उसके बाद अगले 6 महीने तक इसमें कोई भी मूवमेंट देखने को हमें नहीं मिली थी। तो आप समझ जाओ कि स्टॉक में जो तेजी आई है, ठीक है, अगले 6 महीने तक स्टॉक दोबारा से यहीं आप घूमने वाला है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो स्टॉक से अभी तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो शॉर्ट टर्म के, अगर बाई किया है। बाकी ये स्टॉक अब 6 महीने तक यहीं इसी रेंज में ट्रेड करेगा, और इसी रेंज में आपको दोबारा मौका मिल सकता है बाय करने का, जैसे यहाँ मिला था देखिए ये रेंज, ठीक है, इसके बाद सीधा ऊपर। तो आपको यही करना चाहिए, यहाँ पर आपको इंतजार करना चाहिए। बढ़ते हमारे कुछ अलग आईटी स्टॉक की तरफ, जैसे विप्रो की तरफ और आपका इन्फी की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये भी स्टॉक लगातार पंप होके ऊपर जा रहे, लगातार हाई राइज के पैनल बना रहा, देख सकते हो लगातार हरी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तो नहीं हो रहा है ये हमें देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ वॉल्यूम आपका नैरो हो रहा है, इसका मतलब स्टॉक कभी भी गिर सकता है, ठीक है। स्टॉक का वॉल्यूम नैरो हो रहा है, इसका मतलब ये स्टॉक में जो तेजी है जस्ट एक दिखावटी तेजी देखने को मिल सकती है, और ये कभी भी पंप डंप करा जा सकता है, पंप एंड डंप करके आपको बताया जा सकता है, ठीक है। पंप तो कर दिया, डंप भी कर देंगे, तो आपको अगर बचना है तो क्या करो, ये सिंपल सा ये ट्रेंड लाइन जो दिख रही है आपको, जैसे ये स्टॉक दोबारा इसके नीचे क्लोज करेगा, ठीक है, इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, आप विप्रो से दूरी बना के रह सकते हो। अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान इसमें हो सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि क्या पता ये जो हाईज अभी आपके आईटी इंडेक्स में लग रहे हैं ना स्टॉक्स में, ये लास्ट हाईज हो, और ये हाईज फिर अगले साल होली में टूटे, समझ गए। क्योंकि भाई ये समझ जाओ दिवाली तक तो तेजी आपको दिखेगी, लेकिन दिवाली के बाद जो तेजी आई है ना स्टॉक्स में वो शायद आपको कभी ना दिखेगी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है मार्केट में हाई तो लग जाते हैं, तो हाई लगने के बाद लोग हाई में ट्रैप हो जाते हैं, रिटेल यही गलती करते हैं कि हाई में वो बाय कर लेते हैं, और बाय करने के बाद वो जो उनका प्राइस होता है हाई का वो कभी आता ही नहीं अगले 2-3 साल तक, ऐसा भी देखा गया है। इसलिए सोच समझ के पैसा लगाना, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स काफी हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये कभी भी यहाँ से टूट सकता है, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स में खुद एक करेक्शन की जरूरत है, और वो कभी भी आ सकती है, राइट। अब बात करते हैं इन्फी शेयर के बारे में। ये भी स्टॉक दोस्तों देख सकते हो लगातार पंप हो रहा है, ठीक है, सेम पैटर्न बना रहा है, ये पैटर्न जैसे इसने यहाँ बनाया था, यहाँ एक यहाँ से टाइम बताया, यहाँ दोबारा स्टॉक टाइम बता रहा है, ठीक है, नैरो चैनल में जा रहा है, मतलब नीचे वाले चैनल जो होता है उसमें जा रहा है। तो जब तक आप स्टॉक को बाय मत करें, जब तक कि इस चैनल के ऊपर ट्रेड नहीं करता, मतलब क्लोजिंग नहीं करता है, और मुझे लगता है पर्सनली ये नहीं क्लोज करने वाला, इसको रेजिस्टेंस देखिए, ये स्टॉक नीचे गिर जाएगा और ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो दूरी बना के रखो इनफी से भी। बाकी हाँ टीसीएस के बाद मैं ये बोलूंगा प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर लो टीसीएस शेयर में, ठीक है। और बाकी आई थिंक हो चुके हैं मोस्टली जो निफ्टी के स्टॉक्स होते हैं मैंने ले लिए, ठीक है। बाकी जो मोर मोस्ट स्टॉक मेन स्टॉक्स होते हैं वो ले लिए मैंने, कहा एससीएल टेक देख लेते हैं एक बार लास्ट, ठीक है। एससीएल टेक में दोस्तों आप देख सकते हो ये स्टॉक में थोड़ी तेजी अभी बची है, मैं इसमें एससीएल टेक में बची नहीं है, क्योंकि दोस्तों देख सकते हो एससीएल टेक में आपको क्लियर दिख रहा है कि इसने यहाँ पर बहुत अच्छा रेंज बिताया है, ठीक है, ये जो पीरियड है बिताया, लेकिन इसमें तेजी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली है। तो कह सकते हो कि जो अगली तेजी बची है जो लास्ट जैक रैली है आईटी इंडेक्स के चार्ट में या किसी स्टॉक में, तो वो अगर आपको चूज करना है तो आप एससीएल टेक के पीछे पकड़ पकड़ो, ये स्टॉक में तेजी आपको अभी और देखने को मिल सकती है, तो 1300 रुपये तक जा सकती है एससीएल टेक में। मैं बोलूंगा कि अभी आपका सस्ते दामों में मिल रहा है अभी भी, लेकिन फिर भी अपने खुद की एक बार रिसर्च ऐड कर लेना, और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलना। तो भाई इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। मेरा जो मेन मकसद था वीडियो बनाने का वो था टीसीएस शेयर के बारे में, तो अगर हो सके तो आप टीसीएस शेयर को ही बाय करके चलना, ये आपके लिए एडवाइस रहेगी, ठीक है।
बहुत जल्द आपको 4,000 रुपये का टारगेट भी दिखा देगा। आपको 1% का डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है, साथ में डेट फ्री कंपनी है। और क्या चाहिए आपको? लॉन्ग टर्म में आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। प्रमोटर्स का पैसा भर भर के स्टॉक में लगा हुआ, फेथ है, विश्वास है, डेफिनेटली FIIs की होल्डिंग अच्छी है, DIIs की होल्डिंग अच्छी है। तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। 62 रुपये, 6200 रुपये के टारगेट आपको आराम से स्टॉक दिखा देगा कि मेरा इसका फाइनल टारगेट निकल के आता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।